काफ़ी दिनों से मैं ये रेसिपी ट्राई करना चाहती थी, आज फाइनली ये रेसिपी मैंने ट्राई कर ही लिया। मैं बना रही हूँ दोस्तों रसम। तो मैंने लिया है आधा छोटा चम्मच जीरा, काली मिर्च, धनिया, 8-10 दाने के करीब मैंने मेथी का दाना लिया है, एक मैंने सूखी हुई लाल मिर्च ली है। तवे पे हल्का सा इसे रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद रोस्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, इसे खल में लेके छोटे से हल्का सा दरदरा इसे कूट कर तैयार कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। तो देखिए हमारा मसाला कूट कर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे हम एक साइड रख देंगे और अच्छे से इसे हम ढक देंगे ताकि इसमें से बिल्कुल भी खुशबू ना जाए। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ उसी खल में हम लेंगे 8-10 छोटे कली के हिसाब से लहसुन लेंगे, 2-3 हरी मिर्च लेंगे, हल्का सा मैंने अदरक लिया है, हल्का सा इस तरीके से दरदरा कूट कर तैयार कर लेंगे। रसम बनाने के लिए हमें चाहिए टमाटर, तो मैंने 3 छोटे छोटे टमाटरों से रसम बनाकर तैयार किया है। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 3 मैंने टमाटर लिए थे, इन्हें रफली इस तरीके से काट लेंगे और हल्का सा जो पीला टमाटर होता है वैसा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए काट लिया है, अब चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। एक कढ़ाई ले लिया है मैंने, उसमें 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे पीला सरसों, काला वाला सरसों और हल्का सा हींग मैंने डाला है। अच्छे से इसे तड़का लेंगे, उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च को कूट कर रखा था ना, वो ऐड कर देंगे। हल्का सही से भून लेंगे ताकि ये कच्चा ना रहे। देखिए इस तरीके से जब ये भून जाए इसमें हम डाल देंगे कढ़ी पत्ता, तो 8-10 कढ़ी पत्ता आप डाल दें अगर आपके पास है फ्रेश, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद इसमें मैंने टमाटर डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे टमाटर के हिसाब से नमक ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए और गल जाए। तो टमाटर डालने के बाद मैं यहाँ पर इसे ढक दे रही हूँ और 2-3 मिनट के करीब ढक कर इसे पका लेते हैं। अब ढक्कन हटाकर चेक करते हैं तो देखिए टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं, हल्का सा इस तरीके से मैश कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे पकाने के लिए हम इसमें डाल देंगे पानी। तो अब ये पानी के साथ ही पकेगा, तो यहाँ पानी हम डाल देते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसकी कंसिस्टेंसी जो होती है पतली ही बनती है। तो देखिए 2-3 कटोरी के करीब छोटे कटोरी से मैंने पानी डाल दिया है। इसमें हल्का सा हम डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च और हल्का सा मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाला है। और 1 छोटा चम्मच ये मैंने जो मसाला कूट कर तैयार किया था वो डाला है। बहुत ज़्यादा मसाला ना डालें वरना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाएगा और काफ़ी ज़्यादा तीखा हो जाएगा, क्योंकि हमने उसमें काली मिर्च भी डाला है और सूखी हुई लाल मिर्च को भी कूट कर डाला है। तो यहाँ पर वापस से मैंने नमक डाल दिया है, नमक मैंने पहले कम ही डाला था, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर दिया है। और बस अब हमें करना कुछ नहीं है, इसे ढक देना है और अच्छे से इसे 10 से 12 मिनट 15 मिनट के करीब पका लेना है। तो देखिए एक बार मैं ढक्कन हटा देती हूँ, 5 से 7 मिनट के करीब हो चुके हैं। इसे इस तरीके से मैशर से हल्का मैश कर देंगे ताकि टमाटर अच्छे से हमारे मैश हो जाए। तो देखिए यहाँ मैंने मैश कर दिया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत से हम वीडियोस बनाकर इन गर्मियों में तैयार करते हैं। तो आपको अगर पसंद आता है ना तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप ऐसी ही वीडियोस हमारी देखना चाहते हैं आगे भी। और बेल को भी दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं रेसिपीज़ को अपलोड करूं आप तक तुरंत नोटिफिकेशन चल जाए। रसम तो बन गया, लेकिन इसका स्वाद और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए हम यहाँ पर इसमें घी और राई का तड़का लगाएंगे। तो ये देखिए छोटी वाली जो राई होती है वो मैंने ली है, अगर आपके पास है तो ज़रूर लें, वरना पीला सरसों से भी काम चला सकते हैं या काला वाला जो होता है। तो यहाँ मैंने छोटा वाला राई लिया था, उसे घी में अच्छे से तड़का लिया है और उसके बाद रसम में हम इसे इस तरीके से तड़का लगा देंगे और वापस से ढक देंगे और उसके बाद 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रहने देंगे ताकि अच्छे से फ्लेवर रसम के अंदर चला जाए। तो ये देखिए फाइनली हमारी जो रसम है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है, और खाने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। बहुत लोग इसमें हल्का सा चीनी या जैगरी भी डालते हैं, आप हल्का सा चाहें तो डाल सकते हैं।